या भगवान, ये इंसान तो मृतलोकी है, जो मेरे बोलते हुए गुलाब ने बताया था, और इस वक्त जख्मी हालत में सबसे पहले इन्हें मैं होश में लाती हूँ, इसके बाद इनसे पूछती हूँ ये पारस लोग किस लिए आए हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः। क्या है तुम्हारा नाम? कैसे आए हो यहाँ? क्या है तुम्हारा नाम? अरे जख्मी हो गए हो से पड़े, क्या चमन में कोई काम? जख्मी हो क्या चमन में कोई काम? बोलिए कौन हो और इस पारस लोग में आने का मकसद बताओ। और पर किस्मत मेरी फूट गई, रूठ गया भगवान। किस्मत मेरी फूट गई, रूठ गया भगवान। और पर्वतगढ़ का रहने वाला किसने हमारा नाम? हाँ पर्वतगढ़ का रहने वाला किसने हमारा नाम? हाँ देवी जी, लेकिन किशन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ आने का मकसद? यानी कि आप यहाँ आने का मकसद जानना हाँ। चाहते हैं? भैया ये भैया क्या बात है, बिटिया का पखना जामे है। अरे ये परी किशन सुनिए, क्या कहना चाहती हूँ मैं, कहिए आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे किस मुसीबत के मारे हो भैया पंखा वे चला दे के अरे वो परी है, ये परी है कि खड़ी है? परी 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 बोलिए। हे परियों की रानी, मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूँ। हे परियों की रानी, क्या है परियों की रानी? बदतमीज। परियों की रानी, हे परियों की रानी, परियों की रानी कही तो है यार,
परियों की रानी, परियों की रानी तुमसे नहीं आएगा, साज में हो जाओ। हम ना ले पो यार। क्या नाम यार? बहुत मारे जाओगे। लेकिन किसान बोलिए, हे परियों की रानी, हम लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं वो आपको हम जरूर बताएंगे। हम लोग यहाँ बोलते हुए गुलाब के लिए आए हैं। गुलाब? जी हाँ। बिना लिए जा बना। क्या? वही गुलाब के फूल। नहीं किसान, क्या बात है? बोलता हुआ गुलाब। जी हाँ, हम लोग उसी के लिए आए। परियों की रानी बोलिए, मेरी बात सुनिए। बिल्लियां फूल वापस न जा पाऊंगा, वरना फांसी के तख्ते पे चढ़ी जाऊंगा। इससे बेहतर मुझे आप ही मार दो, किस तरह राज में मैं मुंह दिखलाऊंगा। हे पारस लोक की शहजादी, अगर हम लोग उस बोलते हुए गुलाब को यहाँ से लेकर नहीं गए तो हमें फांसी हो जाएगी। इससे बेहतर वहां मरने से अच्छा है कि आप ही हमें यहीं पर मार दें। किसान, मैं तुम्हारी जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन मैं किसी का अनहित नहीं करना चाहती और तुम्हें फूल भी नहीं देना चाहती। इसलिए आप अपने राज पर्वतगढ़ जाइए और इस बोलते हुए गुलाब का ख्वाब दिल से हटा दीजिए। आज हम सब बिना लिए क्या? नहीं, बोलता हुआ गुलाब। अगर नहीं दूंगी तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती दिएगा पाजी। लेकिन किशन, क्या बात है? ये तुम्हारी हालत किसने बनाई? हमारी जो हालत? हाँ, हमारी हालत इसी जिबलिस्तान का जादूगर कमला। जादूगर कमला? हाँ, हम दोनों को घायल करके वो आपके चमन पारस लोक गया है और वहां से उस बोलते हुए गुलाब के लिए। किसान, क्या बात? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम उस जादूगर कमला की बात करते हो? हाँ हाँ। अरे वो जादूगर कमला क्या वहां क्योंकि मेरी बहन प्रीत परी का पहरा लगा है और तुम जादूगर कमला की बात करते हो? अरे मुझे कैसे यकीन हो वो जादूगर कमला हमारे बगीचे हमारे चमन का है? आप मेरा विश्वास कीजिए, वो कमला बहुत ही। क्या हुआ मेरी बहन? क्या हुआ दीदी जी? क्या हुआ मेरी बहन? क्या बताऊं दीदी जी, क्या हुआ? और दीदी जी आत्मन में गजब हो गया। जादू से जख्म पड़ी
जादूगर कमला मुझसे प्यारे गुलाब को छीन ले गया। ना मेरी बहन, बचा ले जा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जादूगर कमला ने उस बोलते हुए गुलाब की आहुति दे दिया तो दुनिया से तो प्रेम का नामो निशान मिट जाएगा। अरे जादूगर कमला, तूने आज उस बोलते हो गुलाब को लेकर अच्छा नहीं किया, अपनी मौत को बुला लिया है। अब देख पारस लोग की सजा दी, पारस परी तेरे कब्रिस्तान। ठहरो, हे परियों की सहजादी। ठहरो परियों की सहजादी। परियों कहे यार, परियों तुम तो। हे परियों की सहजादी, क्या हुआ? वो जादूगर कमलाब बहुत ही खतरनाक है, आप उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए हम दोनों भी आप साथ। दो लोग? अरे दोनों जने के तो बात छोड़ो। हाँ, दोनों जने ना चलो। फिर कौन? तो कहीं तो तीनों जने चलो। तीनों कौन? अरे ये नहीं, चंपकलाल और किसान, मैं तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाल सकती, क्योंकि वो जादूगर कमला बहुत खतरनाक और खूंखार है। अरे जादूगर कमला, तूने आज मेरी बहन को मारकर अच्छा नहीं किया, अपनी मौत को बुला लिया है। अब देख पारस लोग की सहजादी, पारस परी तेरे किबलिस्तान। ओ चंपकलाल, ओ चंपकलाल, ये क्या कर रहे हो? जो कह रहे हैं। अरे भोर भैया, क्या हुआ? आज तो एक रोज लिए थे भाई, एक कलम की नहीं हमारे में हरारू रही है। तो सुनो, प्रीत परी की लाश को उठाओ और इनके अहले चमन में लेकर चलो, और हम लोग पारस परी के पास चलेंगे, क्योंकि वो जादूगर कमला बहुत ही खतरनाक है। आओ हम लोग इसी वक्त प्रीत परी की लाश को उठाओ और इनके अहले चमन में लेकर चलो। भाई के लाई ले तो चली। क्या यही लहसिया का? हाँ उठाओ। और इसी वक्त इन गिलास को लेकर चलो। मैं चल रहा हूं और तुम लेकर आओ। अरे मोर भैया, जिंदे में कबो नहीं लिए बाबा, जिंदे में कबो नहीं ली मैडम, तो लाइन ली और कहो घंटन लिए रही यार, तुम कहां लेके जाई। कौने खरही वाली के जाबई रे, जौन चीज जिंदे में सोचे रहे वही कमुआ जैसे मरे में कई ले नहीं ठीक। अरे कम से कम एक लाओ चुम्मी ना, मरे मना लिए का चाहिए रे। हा हा हू बोलते हुए गुलाब जलाश, तुझे जिससे बातें करना है कर ले, आज तेरा आखिरी दिन है और मेरी तपस्या का भी आखिरी दिन है। आज मैं तेरी आहुति देकर हवन कुंड में अमर हो जाऊंगा। रुक जा तू कमला के जरा, कहना मेरा मां। रुक जा तू कमला के जरा, कहना मेरा मान। अरे अगर किया ये गजब ये तूने, जाए तेरी जान।
पाप करके नहीं कोई चिंता रहा, आज तू भी अदब की तो कोई पैदा हुआ इस जहां में नहीं कोई पैदा अपनी जा तुझको घमंड है बड़ा, घमंड में रावण का हुआ नाश है, आज तुझको बचा सकता कोई नहीं, मार करके रोक तेरी सारे तू कर कमला किबलिस्तान है। अच्छा, और किबलिस्तान में जो कोई आया है वो चांद से मारा गया है। जादूगर तेरी मौत निश्चित है। जादूगर कमला कहने वाले ठीक कहा है कि जब गीतर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, उसी तरह आज जब तेरी मौत आई तो पारस लोग गया, उस बोलते हुए गुलाब में हाथ डाला, इतना पड़ गया मेरा काम। ए पारस परी बोल जादूगर कमला, कमला जादूगर की दल नहीं शेर है। अच्छा, शेर अपना शिकार खुद करता है। जादूगर कमला अगर इतना बड़ा घमंड है ना तो दिखा, दिखाए अपना जादू, चला तो आज तो कमला का जादू देखेगी। चल देख कमला जादूगर का जादू, आज आए घमंडी शहजादी, आज मैं तेरे अस्तित्व को मिटा दूंगा। अच्छा दिखा, तो तू मेरा जादू देखेगी। हाँ दिखा, चल रोक अगर तेरे दम है तो चला। काली काली महाकाली ब्रह्मा बेटू विष्णु साली झाली हो, झलकारी हो मऊहा तारे उलारी हो, चूला तारे गिरा के भासार भासार मारी हो तो हाय सुतारा। जादूगर कमला ये तू नहीं, ये तेरी मौत बोल रही है। घमंड घमंड तू रावण का नहीं रह गया जिसकी सोने की लंका थी, और तो तू तो एक मामूली तांत्रिक है, एक मामूली तांत्रिक। अब देख अभी तक तूने अपना जादू दिखाया ना, अब पर पारस लोग की सहजादी पारस्परिक शक्ति का कमाल दे, अगर अपना जान बचाना चाहे तो बचा कर दिखा। चल दिखा तू अपनी शक्ति। ओम श्री गणेशाय। पारस्परी चल रोक, रोक मेरा दूसरा बार भी रोक तो। किस मिट्टी को बना रहे है? आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना कोई इंसान मार सकता है, ना ही कोई जानवर। अच्छा, और ना ही कोई ऐसा शस्त्र बना है। तू अमर हो गया आ गया रे। चला अठिया हो गठिया हो। अच्छा, अठिया हो गठिया हो, गंगा पार की पठिया हो, खन्ना सिंह की गाठिया हो, धर्मेंद्र की साथी तो आई हो ना। जादूगर कमला जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कुछ दिनों में फूट ही जाता है, उसी तरह आज आज तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, अब चंद मिनटों में फूटने ही वाला है। जादूगर कमला अगर तुझे इसी किबलिस्तान में जिंदा ना दफन किया तो मैं पारस लोग की सहजादी पारस्परी मेरा नाम। अब देख अभी तक तूने अपना जादू दिखाया ना, अब देख पारस लोग की सहजादी पारस्परिक शक्ति का कमाल। चल दिखा तो अपनी शक्ति। ओम श्री ब्रह्माय। पारस्परी ये तेरा लास्ट चांस है, जो मुझे शक्ति दी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने,
आज तीनों शक्तियों का इस्तेमाल तेरे ऊपर होगा। चला। और ये आखिरी और लास्ट चांस है दिखा। तेरा। दिखा जादूगर का नाक। ब्रह्मा, विष्णु, वैश्वराय, अगर तुमने मुझे शक्ति दी है तो इस पारस परी के घमंड को चूर कर दे। 5 मिनट के लिए आओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओम मां काल भैरवे नमः। ओम मां काल भैरवे नमः। पारस्परी आशीष बोलते हुए गुलाब के साथ साथ मैं तेरी भी बलि दूंगा और मां काल भैरवी मुझ पर और प्रसन्न हो जाएगी, मैं अमर हो जाऊंगा। पारस्परी तैयार हो जा मरने के लिए, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता कमला।